हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे एक ख़ास रेसिपी, आपने कभी बनाया नहीं होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा कि बची हुई चाशनी से बना रेसिपी है। बहुत लोग चाशनी को फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे पास ये बचा हुआ चाशनी है। हमने मिनी गुलाब जामुन बनाया था, उसका वीडियो हमने चैनल पर डाला है, या हम चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो गुलाब जामुन हमने बनाया था, तो ये इतना चाशनी पूरा बच गया है, आधा बाउल पूरा बचा हुआ है। तो हम इसकी ख़ास रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत लोग बहुत सारी चाशनी बच जाती है, तब उसकी रेसिपी बना सकते हैं। हमने ये एक कटोरी देसी घी लिया है, थोड़ा सा कम है, और पूरा भरकर ले लिया है हमने। तो मैदे से हम ये बनाएंगे, तो ये रेसिपी का नाम है गोजा। तो मैदे से हम खस्ता गोजा बनाने वाले हैं। तो एक कटोरा हमने मैदा ले लिया है, और ये देखिए एक कटोरी मैदा और लेंगे, तो टोटल दो कटोरी हमने मैदा ले लिया है। तो एक कटोरी जो था घी, वो पूरा हम डाल देते हैं इसमें। घी से जो है बहुत ही खस्ता ये गोजा बनकर तैयार होता है, रस भरा गोजा, और हलवाई जैसा एकदम बनकर तैयार होगा। तो इस बची हुई चाशनी से रेसिपी बनाएंगे, कोई विश्वास नहीं मानेगा कि चाशनी से बना हुआ गोजा है। तो घी डालकर हम इसका एक मोइन अच्छा सा रेडी कर लेना है, ताकि थोड़ा सा मोइन जो है मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम गोजा खस्ता जैसा बनकर तैयार हो। तो ये देखिए मोइन जो एकदम अच्छे से रेडी हो गया। तो ये जो है खाने वाला सोडा है, आधा छोटा चम्मच डाल देना है आपको, और थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे। आप चाहे तो सौंफ पिसा हुआ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको पानी से हम गूंथेंगे, नॉर्मल पानी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें डो की तरह रेडी कर लेने हैं। सकते ही आटा लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट ना हो आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये डो रेडी हो गया है। हमने सकते ही आटा लगाया है, इससे जो है बहुत ही खस्ता गुजा बनकर तैयार होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको अब हम एक सूती कपड़े से ढक देते हैं, या फिर चाहे तो अब एक प्लेट से भी ढक सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जो बचा हुआ चाशनी था, उसको हमने पूरा कढ़ाई में डाल दिया। तो देख सकते हैं चलाने में अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है ये, तो हमें इसको थोड़ा सा उबाल लेना है अच्छे से। जब तक ये उबाल आएगा, तब तक हम गोजा बनाते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट बाद ही हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये देखिए आटा जो है एकदम अच्छे से सेट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें से आधा पार्ट आटा का ले लेते हैं, और बाकी को ढककर रख देते हैं। तो बस ये आटा हम ले लिए, इसको ज़्यादा गोल गोल नहीं करना, बस आटा लीजिए और ऐसे चारों तरफ से इकट्ठा कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं, ज़्यादा चिकना उकना कुछ नहीं करना है आपको। तो वैसे हाथों से चपटा कर देना है, तो देख सकते हैं आप लोग चपटा हमने कर दिया है, और मोटा साइज ही लेना है। तो इसको ऐसे हाथों से फैला लेना है आपको। तो इसको हम बेलन से बेल लेते हैं, मोटा साइज ही रखना है आपको, ज़्यादा पतला नहीं। तो ऐसे गोल गोल बेल लेते हैं, जैसा भी आकार हुआ बेल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जितना आटा लिया था, उसके हिसाब से बड़ा साइज बेल लिया है, और साइज हम आपको, तो ये देखो दोस्तों, हम साइज आपको दिखा देते हैं। मोटा साइज में हमने इसको रखा है, आप चाहे तो हल्का सा पतला भी कर सकते हैं, पर मोटा में ही बेलें। तो अब इसको हम चाकू से कट करेंगे, तो पहले साइड साइड ऐसे पूरा कट कर लेना है आपको, या आप चाहे तो चौकोर में कट कर लें। तो ये देखिए, हमने पूरा लंबे लंबे साइज में कट कर लिया है। तब एक पार्ट उठाकर हम कट करेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं, तो जो साइड का किनारा है वो ऐसे निकाल देना है आपको। फिर इसको चौकोर शेप में कट करेंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा ही रखना है, ज़्यादा छोटा नहीं।
तो ये देखिए इसमें चार पीस कट गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग एक साइज के सभी कटे हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को कट करेंगे और जो कट किए उसको हम प्लेट में ले लेते हैं। तो सभी साइज हम कट करके प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी गोजा लगता है, एकदम हलवाई जैसा बनता है। आप घर पर ही ये गोजा बनाकर आसानी से खा सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जितना आपने बेलकर रेडी किया था तो उसको मैं पूरा कट कर लिया और प्लेट में रख लिया। तो साइज देख सकते हैं आप लोग कट करने पर, और ये चाशनी भी अच्छे से उबल गया है। तो ये देखिए गैस हमने बंद कर दिया, ये ठंडा होने पर हम आपको दिखाए हैं। एक तार इतना आपको बना लेना है, चाशनी को गाढ़ा कर लेना है। और ये तेल एकदम हमने रिफाइंड डाल दिया था, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग बुलबुले बहुत कम आ रहे हैं। तो इस स्टेज पर ही आपको सारे गोजे डाल देना है। तो जितना कढ़ाई में आ जाए उतना आप डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपको दिखा दिए, बहुत ही कम रखना है। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए गोजे जो हैं साइज़ में थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। तब इन सबको हम पलट लेते हैं और धीमी आँच में ही पूरा ये अच्छे से पकाना है, नहीं तो गोजा जो है खस्ता बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसको धीरे से चला देना है आपको, फिर हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। तो इसके हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, देख सकते हैं आप लोग हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब पूरा इसको धीमी आंच में ही आपको पकाना है, तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो अंदर से कच्चे हो जाएंगे और खस्ते बिल्कुल भी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इसको हम और फ्राई होने देते हैं। तो सभी गोजा जो हमने कट कर रेडी कर लिया है और सबको हमने प्लेट में ले लिया है, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए ये खस्ता एकदम बनकर तैयार हो गया, और देख सकते हैं पूरा बीच में क्रैक क्रैक दिख रहा होगा आपको। और गैस हमने बंद कर दिया क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो देख सकते एकदम बिस्किट जैसा दिख रहा होगा आपको, जब भी आप फ्राई करेंगे तो बीच में ऐसा थोड़ा सा क्रैक दिखेगा। तो इससे जो है पता चलता है कि खस्ता कितना बना है ये गोजा। तो हम इसको प्लेट बर्तन में निकाल ले रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा हल्का कलर भी रख सकते हैं। तो इसको हमने पूरा निकाल लिया है बर्तन में, और तेल ठंडा है तो दूसरा भी हम डाल देते हैं। तो गैस की आँच हम आपको फिर से दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए इतना मीडियम होना चाहिए तभी गोजा जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ये भी देखिए साइज़ में बड़े होने लगे हैं, थोड़ा सा कढ़ाई में ज़्यादा डल गया। आप थोड़ा थोड़ा डालकर ही अच्छे से फ्राई करें क्रिस्पी होने तक। तो हम इसको चला दिए हैं, बार बार ना चलाएं नहीं तो टूटने लगेगा। तो ये देखिए ये भी अच्छे से कलर चेंज हो गया है। तो इसको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं, और गैस हमने बंद कर दिया। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तभी डालें, ज़्यादा गर्म पर बिल्कुल भी नहीं। तो पूरा हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो इसी तरीके से हम सभी गोजा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है ये गोजा, एकदम परतदार बनकर तैयार होता है। और चाशनी जो है इसके एकदम गाढ़ा बना है, शहद जैसा एक तार वाला। सारा गोजा हमने फ्राई कर लिया था तो उसको हम डाल देते हैं, और हल्का सा चाशनी गर्म हो ताकि गोजा के अंदर पूरा चाशनी चला जाए। तो पूरा हमने डाल दिया है तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों जितना चाशनी होगा उसी के हिसाब से आप गोजा बनाइएगा। तो चाशनी हमारे पास ज़्यादा था तो इसलिए हमने गोजा ज़्यादा बनाया था, दो कटोरी का। तो पूरा हमने इसको डाल दिया है, तो इसको 15 से 20 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए 20 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं, या फिर आप चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो ये पूरा गोजा के अंदर जो है चाशनी अच्छे से चला गया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। तो देख सकते कितने रसीले गोजा बनकर तैयार हुआ है, एकदम बाजार जैसे खस्ता।
तो हम आपको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए पूरा अंदर तक चाशनी चला गया है और बहुत ही खस्ता एकदम परतदार बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों गोजा को चाशनी में रखने पर उसको बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि चाशनी जो है गोजा के अंदर पूरा चला जाए, और आधा घंटा के बाद आप उसको एक प्लेट में निकाल लें या फिर चाशनी सहित भी निकाल सकते हैं। तो गोजा के ऊपर जो है चीनी थोड़ा सा जमने लगता है तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको टेस्टी रेसिपी कैसी लगी है। हम आपके लिए स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे, तो आप भी बनाइए खस्ता गोजा। तब तक के लिए बाय बाय।